बच्ची 2017-19 मार्च को गए, अब तक आने का नहीं है, ब्यूटी पार्लर के बोल के गए, खदाम का काम ले रही। काम पे गए थे रियाज को, रियाज मुकाम पे गए और फोन पे 2-1.5 महीने को जरूरी बात करते, उसके बाद से कुछ भी नहीं रहा। देखना मैं 2 साल होने को आगा, मेरी बच्ची नहीं आई थी, गुजारिश कर रही हूँ सरकार से, क्या हमारा कुछ गरीब लोगों का ये करिए, मेहरबानी होंगी। अब तक फिरते फिरते मेरी हालत वो हो गई। सुषमा स्वराज से गुजारिश करती हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया, मेरी बच्ची जल्द से जल्द आ जाना। 19 मार्च को यहाँ से बोलकर भेजे गए अहमद और विखार बोल के, जो जल्द हमारे पड़ोसी थे विखार भाई बोल के, हम भरोसा करके बच्ची अच्छी रहती वो रहती, बोल के 20-22 हज़ार तनख्वाह बोले, बढ़ती भी आगे 6 महीने में बोल के भेजे। क्या जॉब था वहाँ पे? ब्यूटीशियन का बोल के वीज़ा एग्रीमेंट भी बनाए। फिर यहाँ एग्रीमेंट ब्यूटीशियन का बनाने के बाद, वहाँ जाने के बाद बहन का 1 महीने के बाद फ़ोन आया रोते हुए, बोलने लगी भैया यहाँ मेरे को मार रहे हैं, कर रहे हैं, मेरे को बहुत तंग कर रहे हैं, मेरे को बहुत मार रहे हैं, सोने नहीं दे रहे, खाने को एक टाइम दे रहे हैं, काम इतना ले रहे भैया मेरे से।